हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोकोनट बर्फी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए पहले कोकोनट को ग्रेट कर लेना है, उसके बाद गैस में कढ़ाई चढ़ा के फिर उसमें कोकोनट डाल देंगे, साथ साथ चीनी भी ऐड कर देंगे। ये जो कुकिंग प्रोसेस है ये पूरा लो फ्लेम में ही होगा और इसको अच्छा से पाक करना है। जैसे नारियल का जब लड्डू बनाते हैं वैसे इसको पाक होगा, लेकिन इसको बीच बीच में ही चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा पूरा, और जल जाने से ये रेडिश हो जाएगा। अभी इसमें हम छोटी वाली इलायची ऐड कर रहे हैं, इलायची का पाउडर भी आप लोग ऐड कर सकते हो इसमें। ये रेडिश हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो इसका जो होता है ये पूरा वाइट होता है। और साथ साथ एक थाली में थोड़ा घी भी लगा के रखेंगे, इसमें इसको हम लोग सेट करेंगे बर्फी को। अभी ये अच्छा से पाक होना है, लो फ्लेम में धीरे धीरे होगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। और ये चलाना भी पड़ेगा, रेडिश नहीं होने देना है इसको, ऐसे चलाते रहने से ये वाइट ही रहेगा। अभी देख लेना है थोड़ा पाक ठीक से हुआ कि नहीं है, फिर इसको सेट करना है। अभी जो घी लगा के रखा था उसमें थाली में डाल देंगे और इसको गर्मा गर्म ही सेट करना है, नहीं तो ये हार्ड बन जाएगा तो हम लोग इसका सेटिंग नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये टूट जाएगा। तो बर्फी का शेप अभी दे देना है, लेकिन बहुत गर्म है, थोड़ा सावधानी से करना है, हाथ पे लगेगा तो पूरा एकदम जल जाएगा हाथ। इसके बाद इसमें थोड़ा किशमिश देके हम गार्निश कर देंगे। जैसे साइज का आप पीस चाहते हो वैसे ही कर सकते हो, मैं छोटा छोटा ही पीस कर रही हूँ। और इसका गरम रहते रहते इसको हम लोग काट लेंगे थोड़ा, नहीं तो हार्ड हो जाने के बाद ये काटना मुश्किल होता है। ठंडा करके सर्व कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।